इस बार का लोकसभा चुनाव ये भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। देश के इतिहास में पहली बार 5 साल लगातार एक ही पार्टी बहुमत में आकर एनडीए की जिस प्रकार के परफॉर्मेंस रही है, पूरा देश इससे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश विदेश में भारत का कीर्तिमान स्थापित हुआ है और देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है, विकास किया है। इसलिए आने वाले दिनों में हर देश का भवितव्य तो युवा ही तय करते हैं। युवाओं के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहेंगे और इस देश की जो विकास में अपना योगदान देना चाहेंगे। सभी युवाओं को मेरा यही आह्वान है कि 14 के चुनाव में जैसे युवाओं ने ऐतिहासिक काम करके एक परिवर्तन किया था, वही परिवर्तन इस बार वापस मोदी सरकार लाकर युवा करे, यही मेरा आह्वान है। क्योंकि आप उत्तराखंड के प्रभारी हैं, देवभूमि उत्तराखंड में आज बहुत हमें विकास देखने को मिल रहा है, तो टेंटरम न्यूज़ जो लगातार उत्तराखंड के वनौषधि पर्यटन योग व विकास के बारे में लिख रहा है, उसके संबंध में हम और आप कुछ नया कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसे दिशा मार्गदर्शन आप हमें दीजिए जो हम और बता पाएँ युवाओं को आगे जा सकता है। उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है। अभी दुर्दैव से अस्थिरता की दौर से उत्तराखंड अब निकल चुका है। वह थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने विशेष ध्यान देकर उत्तराखंड का विकास की ओर ध्यान दिया है। इससे पहाड़ों से होने वाला पलायन रुक गया है, केदारनाथ बद्रीनाथ का विकास हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री 3-3 बार केदारनाथ जाने के कारण पूरे देश में एक मैसेज गया है कि उत्तराखंड केदारनाथ के आपदा से बाहर आ गया है और वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट, वनौषधि, पहाड़ी स्पॉट, ऐसे इतने स्पॉट्स हैं कि पूरे देश के लोगों को तीर्थाटन के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी आकर्षित करने की ताकत उत्तराखंड रखता है। पवित्र पावन गंगा नदी का उगम भी वहीं पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश को एक नया आकर्षण केंद्र बनने के लिए उत्तराखंड की सरकार भी काम कर रही है, केंद्र भी काम कर रही है और आपके मीडिया के माध्यम से और भी लोगों को इसका परिचय होने से वहाँ पर आने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, उत्तराखंड की इकोनॉमी में परिवर्तन आएगा। टेंटरम न्यूज़ के माध्यम से उत्तराखंड की अच्छी खबर आ रही है, सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि इस टेंटरम न्यूज़ से वो जुड़े रहे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल tentaren.com और दबाएं बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।